कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल पर स्वयं निशाना साधा है। उन्होंने कहा, एक ट्वीट करते हुए पांच बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि चुनाव के पहले झीरम घाटी के सबूत, रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट, शराबबंदी के लिए योजना, रोजगार भत्ते के लिए पैसे और किसानों को 250 रुपए समर्थन मूल्य देने के लिए पैसे थे। चुनाव के बाद से जब से भूपेश बघेल सरकार में आई है, सत्ता में आई है, इसके बाद देने के लिए इनमें से कुछ भी नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चुटकी ली है। इस बात का है कि उस समय ये सब ब्लूप्रिंट इनके पास थे, तो आज क्यों इसका क्रियान्वयन सरकार समय रहते नहीं कर रही है? इंतजार करते करते युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, और आज सबके मन में ये बात है कि सरकार ने केवल छल किया है, इस क्रियान्वयन करने की क्षमता सरकार के पास नहीं। और